अब हमने बेन 10 शो के अंदर तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर देखे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, पर आप में से भी काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन से कैरेक्टर है बेन 10 यूनिवर्स के अंदर। तो आज की इस वीडियो में आपको टॉप 10 कुछ ऐसे ही कैरेक्टर बताऊंगा जो कि बेन 10 यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और जो भी लोग यार बेन 10 को नंबर 1 पे समझते हैं, यार ऐसा नहीं है कि बेन 10 नंबर 1 पे, आज की इस वीडियो आप लोग पूरा देखना आपको पता चल जाएगा नंबर 1 पे कौन सा कैरेक्टर है, बेन 10 तो बिल्कुल नहीं है। तो ये अमेजिंग से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। खैर हमने बहुत ही ज्यादा बात कर ली, अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ। तो नंबर 10th पे जो पोजीशन डिजर्व करता है वो है बिल गैक्स। अब बिल गैक्स का नाम सुन के ही आपको लगा होगा जब इतना बड़ा विलन जब 10 नंबर पे, तो समझ रहे हो यार वीडियो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिल गैक्स जो कि बेन 10 शो और बेन 10 का बहुत ही बड़ा विलन है, और बिल गैक्स ही बेन 10 एक ऐसा विलन है जो कि हमें हर सीरीज में दिखाया गया है, चाहे वो बेन 10 की कोई भी सीरीज हो, क्लासिक, एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन, ओमनिवर्स, यहाँ तक के रिबूट में ही बिल गैक्स को दिखाया। तो इससे ही पता चलता है बिल गैक्स बेन 10 का कितना बड़ा विलन है। और हमने काफी बार देखा है कि बिल गैक्स बेन 10 को मारना चाहते और उसकी ऑमनिट्रिक्स को लेना चाहता था, पर फिर भी बिल गैक्स कितने पावरफुल होने पे भी मैंने बिल गैक्स को नंबर 10th पे रखा। तो जो हमारे 9th में जो कैरेक्टर है वो है केविन 11। अब मैं सिंपल वाले केविन की बात नहीं कर रहा, उसके म्यूटेंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, जिसमें केविन 11 बेन 10 के ऑमनिट्रिक्स से एलियन की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, उस वाले केविन की बात कर रहा हूँ। सिंपल वाला केविन तो इस लिस्ट में आता ही नहीं है। अब हम सब ने ये भी देखा है कि म्यूटेंट केविन जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसके बाद बेन 10 के सभी एलियन के 10% पावर आ जाती है और ये बहुत पावरफुल हो जाता है। और हमने ये भी देखा है जब ये ऑमनिट्रिक्स की पावर को एब्जॉर्ब करता है तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पावरफुल, जिसके सामने शायद ही कोई नॉर्मल कैरेक्टर टिक पाए। तो इसलिए मैंने इस लिस्ट में 9th पे इसको रखा, केविन 11 को। तो बढ़ते हमारे 8 नंबर के कैरेक्टर के ऊपर। तो जो हमारा 8 नंबर कैरेक्टर है वो है वर्डोना। अब बहुत लोग वर्डोना का नाम सुन के अब ये लोग को ये लग रहा हो कि मैंने ग्वेन को क्यों नहीं रखा किसी भी इन लिस्ट में। तो देखो इस टाइप के मैं एक ही कैरेक्टर को रख रहा हूँ, जैसे कि मतलब ये एनोडाइट थी तो मैंने उसमें वर्डोना को रखा, ना कि ग्वेन को। और वैसे ही वर्डोना ज्यादा पावरफुल है ग्वेन 10 से, और आपको पता होगा वर्डोना जो कि फुली एनोडाइट है और इसको मैजिकल पावर बहुत अच्छे से यूज करने आता है। और आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा कि वर्डोना कोई भी एनोडाइट गन नहीं हरा पाएगी, जैसे कि अपनी ग्वेन 10 हो गई और उसकी कजन जो जिनके पास एनोडाइट की पावर है, उनमें से कोई भी वर्डोना को नहीं हरा सकती, क्योंकि वर्डोना बहुत ही पावरफुल एक एनोडाइट है। हाँ, तो नंबर 7th पर जो कैरेक्टर है वो है सर जॉर्ज। अब सिंपल वाला सर जॉर्ज की बात नहीं कर रहा, जिसके एस्कलन रहता है उस वाले सर जॉर्ज की बात कर रहा हूँ। और हमने उस सर जॉर्ज को देखा भी है कि वो कितना पावरफुल है, और एस्कलन के साथ तो उसकी पावर का अंदाजा आप लोग को ही पता है कि उसने कितने अच्छे डैगन को भी टक्कर दिया था, भले ही वो डैगन को नहीं हरा पाया था। अब एस्कलन के साथ सर जॉर्ज की पावर, आप लोग को ही पता है कि सर जॉर्ज कितना पावरफुल हो जाता है। और सर जॉर्ज जो कि एक फर्स्ट फॉरएवर नाइट है, और हमने ये भी देखा है कि सर जॉर्ज के पास जब एस्कलन स्क्वाड होती है तो वो बहुत ही अच्छा फाइट कर लेते हैं, और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी ज्यादा बेस्ट है। और हमने देखा है जो सर जॉर्ज की एस्कलन स्वॉर्ड होती है जो कि किसी भी चीज को काटने का दम रखती है और किसी भी टाइप के अटैक को रोक सकती है, इतनी पावरफुल होती है एस्कलन स्वॉर्ड। और जो सर जॉर्ज की इतनी पावरफुल स्वॉर्ड है जो कि इसे एजमत ने दी थी, और ये एजमत की इन्वेंशन है। तो नंबर 6 पे जो कैरेक्टर है वो है बेन 10, और ये कोई नॉर्मल बेन 10 नहीं, ये अपना बेन 10,000 है जिसके बायोमेट्रिक्स है, वही वाले बेन 10 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये भी कि ये वाला बेन जो कि इलेनिक्स की पावर को नहीं यूज कर सकता, क्योंकि यार इलेनिक्स की पावर को यूज करेगा तो यार ये नंबर 1 की पोजीशन रिजर्व कर लेगा, तो इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसको इलेनिक्स की पावर को यूज करने नहीं दिया। ये दोनों ही ऑमेट्रिक्स का यूज कर सकता है, पर इलेनिक्स को नहीं यूज करेगा, क्योंकि अगर मैं इलेनिक्स की पावर यूज करने दूँ तो ये एक फेयर टॉप 10 के लिस्ट नहीं होगी, इसलिए मैंने इसमें इलेनिक्स की पावर नहीं यूज करने दिया। और बेन 10,000 के बारे में तो आप सब जानते हो जो कि दो ऑमेट्रिक्स का यूज करके एक फ्यूजन एलिमेंट ट्रांसफॉर्म होता है, और इस वाले बेन के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है बाकी पुराने बेन 10 से। तो बढ़ते हमारे 5th नंबर के कैरेक्टर के ऊपर। तो 5th नंबर पर जो कैरेक्टर है वो है प्रोफेसर पैराडॉक्स। अब बहुत लोग को ये भी लगा हो कि मैंने इस लिस्ट में इतने कम में प्रोफेसर पैराडॉक्स को क्यों रखा, क्योंकि आप लोग को पता है प्रोफेसर पैराडॉक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उनके पास टाइम की बहुत सारी पावर है, पर इनके कुछ रूल्स भी होते हैं कि ये टाइम में ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे कि फोर जो क्रिएशन में एंट्री नहीं कर सकते, और ये प्रोफेसर पैराडॉक्स ने खुद कहा था, और भी वगैरह वगैरह इनके काफी सारे रूल होते हैं जिन इसलिए इतने सारे रूल फॉलो करते, इसलिए इनको थोड़े लिस्ट में थोड़ी नीचे की पोजीशन मिली, नहीं तो ये 3rd की पोजीशन तो आराम से डिजर्व करते ही है। और इनके बारे में आप सब लोग जानते हो जिनके टाइम की पावर होती है, और ये सब कुछ पहले से ही जानते हैं कि अब क्या होगा और आगे क्या होगा और क्या होने वाला है, सब कुछ प्रोफेसर पैराडॉक्स को पहले से ही मालूम होता है, जो कि एक टाइम वॉकर है, और ये टाइम से कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं पर ये करते नहीं है, क्योंकि इनके काफी सारे रूल्स है जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसलिए मैंने प्रोफेसर पैराडॉक्स को नंबर 5th की पोजीशन में रखा।
हाँ तो नंबर 4 पे जो कैरेक्टर है वो है डैगन। अब डैगन की पावर के अंदाजा आप सभी लोगों को मालूम है कि इसने अल्टीमेट के लास्ट वाले एपिसोड में क्या ही तबाही मचाई थी, और इसको हमारा बेंटिंसन भी नहीं रोक पा रहा था, और उसका काफी ज्यादा पावरफुल एलियन अल्टीमेट फेबिक भी नहीं हरा पाया था डैगन को। और हम सब जानते हैं जो कि बेंटिंसन सबसे बड़ा विलन विलगैक्स, जिसको यार नॉर्मल वेबिक ने ही उठा के फेंक दिया था, पर यार अल्टीमेट वेबिक जब डैगन को नहीं हरा पाया तो उससे ही पता चल जा रहा है कि डैगन कितना ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर डैगन की पूरी पावर खत्म नहीं होती, ये और भी पावरफुल है क्योंकि इसका हर्ट नहीं था। अगर इसका हर्ट होता तो ये और ज्यादा पावरफुल होता, पर फिर भी इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद ही मैंने डैगन को नंबर 4th पे रखा। हाँ तो नंबर 3rd पे जो कैरेक्टर है वो है क्वांटिमिलिया। क्वांटिमिलिया जो कि एक 5th डायमेंशन बींग है, और अगर आपको क्वांटिमिलिया की पावर का अंदाजा लगाना है तो आप इनके वेपन NILR को ही ले सकते हो, कि NILR के एक क्लिक करने से पूरा यूनिवर्स खत्म हो गया था। फिर वापस से बेंटिंसन ने पूरे यूनिवर्स को रिक्रिएट किया था एलियन एस की हेल्प से, और ये क्वांटिमिलिया का एक छोटा सा ही वेपन था, और हमने क्वांटिमिलिया के और भी वेपन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। और यहीं पर क्वांटिमिलिया की पूरी पावर खत्म नहीं होती, इसकी और ही पावर है, पर मैं अगर बताने लगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी और आगे के और भी कैरेक्टर नहीं आ पाएंगे। तो नंबर 2nd पे जो कैरेक्टर है वो है नालजियन। अब बेसिकली मैंने इस लिस्ट में नालजियन को इसलिए लिया क्योंकि इसने 26 डायमेंशन घूम चुका है, और इसने हमें बेंटन यूनिवर्स के अंदर बताया था कि 26 डायमेंशन होते हैं, और जहां तक हमें बता रहा कि 3 डायमेंशन ही होते हैं, पर नालजियन ने बताया कि 26 डायमेंशन होते हैं। और नालजियन को अभी तक हमें पूरे बेंटन शो के खाली एक ही एपिसोड में दिखाया गया है, बेंटन एलियन फोर्स के बिजी बॉक्स वाले एपिसोड में, फिर हमें उसके बाद नालजियन को कभी नहीं दिखाया गया। और अगर आपको नालजियन के पावर का अंदाजा लगाना है तो आप लोग ये जान लो कि जो इनके चिल्ड्रन के टॉय होते हैं वही लेवल 20 प्लस के होते हैं, और जहां तक हमें ओमनीट्रिक्स का लेवल मालूम वो 20 का ही है, और पता नहीं इनके पास कितने सारे वेपन होंगे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। और भी जैसे कि इनके पावर है जैसे कि टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं, और इनके काफी सारी इंटेलिजेंसी भी होती है, और ये बहुत ही आसानी किसी भी डायमेंशन शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन में जाना हो ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और नालजियन के बारे में हमें बहुत ही कम डिटेल बताया गया है, पर जितना बताया गया इससे ही हमें पता चलता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसके बारे में अगर हमें और डिटेल बताया जाएगा तो इसकी पूरी पावर भी रिवील होगी कि आखिर कितना पावरफुल है। तो अभी तक मैंने आपको सारे कैरेक्टर के बारे में बता दिया, 10 से लेकर 2nd तक मैंने सारे कैरेक्टर के बारे में बता दिया, और इसमें आप लोगों ने जितने कैरेक्टर को सोचा होगा सभी कैरेक्टर तो आ ही गए होंगे। तो अब आप लोग गैस करके बताओ क्या नंबर 1st में मैं कौन से कैरेक्टर को ले रहा हूँ इस लिस्ट में। तो अब आप लोग गैस करके बताना कि आपको क्या लगता है नंबर 1st पे कौन सा कैरेक्टर होगा। तो देखना अब आप लोग चीटिंग मत करना, बस इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाओ, उस कैरेक्टर का नाम लिखो। अब चीटिंग कोई मत करना यार, आपको जो भी लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने यार सारे कैरेक्टर को ले लिया जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे। तो चलो अब रिवील करते हैं हमारे 1st नंबर कैरेक्टर को। हाँ तो जो नंबर 1st पे जो कैरेक्टर जो कि बेंटन यूनिवर्स सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर जो कि मुझे लगता है वो है स्टार ब्रेड, जो कि सेलेस्टियल सेपियन का किंग है, और ये अभी तक सभी सेलेस्टियल सेपियन से सबसे ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल सेपियन है, और सारे मेन डिसीजन की पावर स्टार ब्रेड के पास ही होती है, और यही सब मेन डिसीजन लेता है। और स्टार ब्रेड की पावर के बारे में मुझे ज्यादा कुछ तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब सेलेस्टियल सेपियन की पावर तो जानते हो क्योंकि कितने ज्यादा पावरफुल होते ही है, और ये उनका किंग है, तो यार इसकी पावर तो आप लोग अंदाजा लगा ही ले होंगे कि आखिर कितना पावरफुल है। अब आप लोग को ये लग रहा होगा कि मैंने जब स्टार ब्रेड को नंबर 1st पे रखा तो इसके जो नीचे वाले सेलेस्टियल सेपियन जैसे कि गैलेक्टिक ग्लैडिएटर और अपना एलियन एक्स, तो इनको मैंने नंबर 2nd और 3rd पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि देखो सेलेस्टियल सेपियन जो कि 1st नंबर पे सारे ही पावरफुल है, तो इसलिए मैंने एक को ही लिया, और अगर मैं सबको लेता तो लिस्ट में आपको नहीं आता। तो आई नो आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने गैलेक्टिक ग्लैडिएटर और अपने एलियन एक्स को क्यों नहीं रखा इस लिस्ट में, तो मैंने डायरेक्टली उनके किंग को रख दिया इस लिस्ट में। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो बस आज के अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और आज के वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगा और इसको अरेंज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर न्यू हो और अगर आपको बेंटन की वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हो, जिससे मैं कोई भी अगर बेंटन की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये भी बता सकते हो कि आपको आज के वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो को मुझे सजेशन भी आप दे सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।